हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल में हम सीखेंगे क्या, देखिए ब्लैंक स्पेसेस को हटाना एक ही बार में आप हटा देंगे। आपको जितना पार्ट सिलेक्शन में लेना है, अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहला काम कि आपको यहाँ पर शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करना है। आप देखिए यहाँ पर आपका कर्सर है, कहीं भी हो तो शिफ्ट के साथ आप स्पेस बार प्रेस कीजिए, जो है सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको सिंपली F5 प्रेस करना है फंक्शन बटन। तो F5 प्रेस करेंगे तो ये गो टू वाली मेन्यू ओपन हो जाएगी। स्पेशल पे चले जाइए, यहाँ ब्लैंक पे चले जाइए और ओके प्रेस कर दीजिए। ये कर लिया आपने, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करना है। ये माइनस बटन प्रेस करते ही ये डिलीट वाली विंडो आ जाएगी और यहां पर आप इंटायर कॉलम यहां पर क्लिक कर दीजिए, ये सब डिलीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जो ब्लैंक स्पेसेस बीच के कॉलम्स हुआ करते थे वो गायब हो गए और आपके पास सिर्फ आप जो फिल्ड कॉलम्स हैं वही आपके पास रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको रिमूव कर सकते हैं आसानी के साथ। आई होप की बात समझ में आ गई होगी।